नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। आज दरभंगा नहीं पूरा बिहार जिस संक्रमण से गुजर रहा है, उस दौर में हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो काफी गंभीरता का विषय है। और आप तमाम दरभंगा वासियों को मिला रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, IPS स्मृति, जो अभी दरभंगा में सबसे ज्यादा न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिज्ञों के साथ बुद्धिजीवियों दरभंगा के तमाम लोगों का आस्था IPS स्मृति। रात में 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक भी फोन आता था, सिर्फ एक सीट चाहिए आईसीयू का। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला है और हम आज इनसे दुख दर्द बांटेंगे तमाम दरभंगा वासियों को। दादे हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, IPS स्मृति को इन्होंने जो एक रूप दिया है और खासकर हजारों लोगों का विश्वास था, कहीं भी कुछ होता था रात में सीधे डॉक्टर शुक्ला को फोन लगाइए, IPS स्मृति भेजिए। पेशेंट को हमने देखा कि एम्बुलेंस पर वहां था, सीट नहीं रहते हुए भी इन्होंने पेशेंट को वापस नहीं जाने दिया, चाहे उनको बैकपैक मशीन या अलग से उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं सुपार। एक अंतिम सवाल यह है कि अब जो रफ्तार है कोरोना का वो थोड़ा सा थमने सा लगा है, आपको भी लग रहा होगा जितना पहले प्रेशर था, फोन कॉल्स थे, लगातार आप प्रेशर में रहते थे, रात में सो नहीं पाते थे, सुबह सुबह आपको जाना पड़ता था या फिर आप खुद पॉजिटिव भी हो गए थे, उस दरमियान भी आपने मरीजों को लगातार फोन में संपर्क रख करके आपने अपने स्टाफ से कॉल कराया, जो बहुत बड़ी बात होती है। अब क्या प्रेशर है और क्या लग रहा है कि केसेस कम हो रहे हैं तो किस औसत क्या है? नहीं, जब से गवर्नमेंट के द्वारा जो ये आदेश पारित किया गया कि लॉकडाउन की प्रक्रिया की जाए और बड़ा स्ट्रिक्टली इस बार अच्छे ढंग से उसको पालित कराया भी जा रहा है, जिसमें हमारे प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम लोगों ने ये पाया है कि इधर 5-6 दिन से केस का लोड जो है ग्रेजुअली घट रहा है। आज तो बिल्कुल ये महसूस हम लोग को हो रहा है, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल के अंदर कभी बेड खाली होता नहीं था, 2 बजे में 10-10 आदमी 12-12 आदमी की लाइन लगी होती थी और हम सबके पास हाथ उठ के खड़े हो जाते थे कि हम आपका कोई मदद नहीं कर सक पा रहे हैं, मुझे भी खराब लगता था। लेकिन आज हमने ये महसूस किया कि आज हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 मौत भी हुई है आज, लेकिन 14 मरीज का आज हमारे यहाँ छुट्टी हुआ है। साथ ही साथ आज का जो पेशेंट्स का इनपुट्स मैंने देखा है, कॉम्पिटेटिवली फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत कम है, वेटिंग नहीं है, जितने मरीज आ रहे हैं उन लोगों को बेड मिल जा रहा है, तो दबाव तो निश्चित ही कम है और हम भी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कुछ दिन और ये लॉकडाउन अगर बना रहा तो निश्चित रूप से इसमें गिरावट आएगी और कोरोना के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर पाएंगे। ओवरऑल इस पार्ट्स में बहुत बड़ा योगदान हमारे पब्लिक का है कि उन लोगों को जो एक हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का ये किया, गवर्नमेंट के द्वारा भी दबाव दिया गया, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो इसका परिवेश में जो ये फैलाव हो रहा है, शहरी क्षेत्र में तो पब्लिक भी खुद अवेयर है और हमारे प्रशासन के द्वारा भी काफी अवेयरनेस लिया गया है। बट मैं कभी 1-2 दिन पहले कभी कभी गांव में गया कहीं कहीं पे, तो मैंने देखा कि अभी भी इस रात की भोज चल रही है और वहां पे 300-400 आदमी नहीं बल्कि 1000 की संख्या में भोज में आदमी सम्मिलित हो रहे हैं, मैंने देखा उधर से गुजरते हुए। तो मैंने पूछा, जानकारी लिया कि हो क्या रहा है, तो आज रात का भोज हो रहा है, तो अभी भी हजारों की संख्या में हो रहा है और लोकल प्रशासन वहां पे एक्टिव नहीं हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ मजबूरियां प्रशासन के माथे पे भी इतना ज्यादा काम है, तो इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान है। और ग्रामीण परिवेश में लोग अभी भी समझने को इस चीज को तैयार नहीं है, मास्क का यूटिलाइजेशन कम है और शादी समारोह में भी हो, चाहे जनेऊ का प्रक्रम हो या जो भी हो, ये हो रहा है। आज मैंने एक न्यूज पढ़ा था एक पेपर में कि बच्चों में कोई दरभंगा पे कोई भी नहीं मिला है कोरोना का केस, पर मैं ये बता दूं कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर में 4 बच्चे भर्ती हुए हैं जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे और हम लोग उनको रखना पड़ा है। और अभी तो जस्ट घनश्यामपुर का एक बच्चा था आज से 3 दिन पहले, वो मात्र उसका उम्र जो था 6 या 7 साल का था, उसकी जनेऊ की प्रक्रिया होनी थी, घर में बच्चा थोड़ा बीमार था, 3 दिन पहले फीवर थी, टाइफाइड बता के गांव में इलाज किया गया, घनश्यामपुर जो उनका बच्चा था वो, बाद में वो वेरीफाई करने के लिए आ गए कि सर एक बच्चे कर लीजिए, बच्चा का जनेऊ है। मैं उसको कुछ नहीं करा, मैंने RT-PCR कराया और शाम को रिपोर्ट उसका पॉजिटिव निकल गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो बच्चे में भी इसकी फैलाव है, 4-5 बच्चा तो मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ नियोनेट्स में मैंने नहीं देखा है और मैंने उसका जांच भी नहीं कराया है। ग्रामीण एक सवाल और भी हमारे भी मन में आ रहा है और लोगों के भी मन में आ रहा है, कुछ लोगों ने जो टीका लिया है, टीका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो पहला टीका और दूसरा टीका लेने के बाद लोग कहते हैं कि कोरोना वैसे भी हो गया है, दूसरा टीका लेने के बाद भी कई लोग कोरोना हुआ, तो ये वास्तव में कितना यूजफुल है और लोग इसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए इसको? देखिए, टीकाकरण की प्रक्रिया तो निश्चित रूप से करवानी चाहिए,
पहला डोज के लेने के बाद तो आपको बहुत ज्यादा आप में इम्यून सिस्टम डेवलप आपका नहीं करता है कि आप कोरोना से फाइट कर सके, लेकिन दूसरे डोज लेने के लगभग एक महीने के बाद आपके बॉडी की इम्यूनिटी निश्चित रूप से बनती है और आप फाइट करने के योग्य हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोरोना का वैक्सीन का मतलब है कि आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा ही हुआ है कि 88-89% आपकी सक्सेस रेट है इसका और एंटीबॉडी बनाता है। तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग जो हमारा 11-12% का हर वैक्सीन का है वो तो आपका रहेगा, किसी वैक्सीन की 1-2% ज्यादा है, 1-2% उसकी एफिकेसी कम है, तो वो 12% तो आपके पास एक गैप जरूर बच पाता है जिसमें इन्फेक्शन का चांसेस है। लेकिन निश्चित रूप से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी आदमी 2 डोज वैक्सीन लिए हैं उसमें मोर्टिलिटी की चांसेस इन स्पाइट ऑफ कोमॉर्बिडिटी, ये डायबिटीज है, कैंसर के मरीज हैं, या मरीज एचआईवी का मरीज हो, या किसी के लीवर ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, उन मरीजों में भी अगर कोरोना का डेवलपमेंट हुआ है, पॉजिटिविटी आई है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं किया है। और साक्षात तो उसका एग्जाम्पल मैं खुद ही हूं कि मेरा डायबिटीज लेवल बढ़ा रहता है, मुझे भी थोड़ी सी किडनी में परेशानी थोड़ी सी आई थी, नाउ ए डे फॉर्चुनेटली आई गॉट सक्सेस टू गेट द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पार्ट एंड आई हैड क्योर्ड। इन स्पाइट ऑफ दैट डायबिटीज तो मेरा है, बट मुझे पॉजिटिव मैं हुआ और मेरा वायरल लोड बहुत कम था और हंसते खेलते मेरा वो खत्म हो गया, मुझे जस्ट डाइट को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा और सिंपल ड्रग मैंने लिया और कुछ नहीं किया और ये हो गया। तो उसके साक्षात एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ, और मैं बीइंग ए कंसल्टेंट ऑफ द आईबीएस नीति आरोग्य सदन, मुझे वहां का मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को भी देखना होता है, तो मैं तो बिल्कुल वायरल लोड के बीच में जाता हूँ, प्रत्येक दिन 2-3 बार जाता हूँ कभी कभी। तो वहां जाने के बावजूद भी मैं अब तक सुरक्षित हूँ, भगवान की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, तो मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि उसमें टीकाकरण का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो हम सबको सजेस्ट करेंगे कि टीकाकरण जरूर कराएं, कभी भी किसी भ्रम में नहीं फैलने का जरूरत है। हमारे भारत सरकार के द्वारा जो टीकाकरण का प्रक्रिया चलाया गया है और जो बना है टीका, निश्चित रूप से वो कारगर टीका है, अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और हम अगर इसको निश्चित रूप से एक सर्टेन इंटरवल पे लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में ये काम करता है और एक समय लगता है इस बीच में। हाँ, इस पार्ट के लिए हम जरूर बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि आप टीका ले लिए तो आप अजर अमृत आप हो गए, आपकी लाइफ पे कोई खतरा नहीं है, आप उसके बावजूद भी आप 2 गज दूरी और मास्क की जरूरी इस पार्ट्स को ना भूलें, इस पार्ट को इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। और छोटा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, कई लोग ये कहते हैं कि जिनको कोरोना हो गया वो टीका लेना चाहते हैं, तो क्या कोरोना होने के कितने दिन के बाद टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अभी उसका कुछ? नहीं, बिल्कुल टीका लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 2 प्रक्रिया है, एक तो मान लीजिए कोरोना आपका हो गया और टीका आपने 1 डोज भी नहीं लिया है, तो आप टीका का जो डोज स्टार्ट करेंगे वो आफ्टर 4 वीक स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 महीने के आसपास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डोज जो है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कंपनी, जैसे कोवैक्सीन का आ रहा है कि 4 सप्ताह पे ले लेना है, कोविशील्ड का पहले था कि 4 सप्ताह पे लेना है, बाद में वो हुआ कि नहीं उसको 6 सप्ताह पे लेना है, अब आ गया है कि नहीं वो 12-16 सप्ताह पे लेना है। तो जो रिकमेंडेशन हमारे कोविड के जो वैक्सीन सेगमेंट्स के एक्सपर्ट कह रहे हैं हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए और उस आधार पर लेना चाहिए। बट निश्चित रूप से कोरोना पॉजिटिव होने के 1 महीने के बाद ही टीका का आइदर वो पहला डोज हो या दूसरा डोज हो आपको वो लेना है। तो हम बता दें हमारे साथ आईवीएस स्मृति के डॉक्टर मृदुल शुक्ला, जिन्होंने पूरी तरह आईवीएस स्मृति को डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया और खासकर यहाँ पर 45 सीट, जब उन्होंने 6-7 सीट से 45 सीट रखा और वहाँ ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज प्रारंभ किया और खुद अपनी निगरानी रखते रहे, अपने सारे स्टाफ के मनोबल, टीकाकरण अवश्य लीजिए। दूसरा, कि अगर तबियत खराब हो जाए तो घर में ज्यादा वेट ना कीजिए, आप निश्चित तौर पर किसी अस्पताल में जाकर के वहाँ इलाज कीजिए, ताकि ऑक्सीजन लेवल अगर गिरता जाता, फ्लक्चुएट करता तो आपके हार्म करता बॉडी को। इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप दूरी बनाकर रखें, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, लॉकडाउन से तो निश्चित तौर पर स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, इसीलिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें जैसे डॉक्टर शुक्ला जी ने भी कहा, और खुद स्वस्थ रखें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। और हम डॉक्टर शुक्ला जी को बहुत बहुत दरभंगा की तमाम जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं, इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने कम से कम लोगों का फोन कॉल उठाया और मरीजों को अपने जो आईबीएस स्मृति है वहां उन्होंने जगह दी, इलाज किया और उनको स्वस्थ होकर घर भी भेजा। हालांकि कुछ केसेस लॉसेज में आए हैं, लेकिन ज्यादातर तो लोग स्वस्थ होकर घर वापस आए। अंतिम में आप क्या संदेश देंगे? बस सबको मैं संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के समय में अपने आत्मबल को बनाए रखें, हॉस्पिटल में भी चाहे बाहर भी, जब भी आप कोरोना पॉजिटिव हों तो उस बात से अपने मन में डिप्रेशन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आदमी इसको लगता है कि कोरोना मुझे हो गया और मेरी लाइफ अब खत्म हो गई, इसमें डरने की जरूरत नहीं, उसमें बिल्कुल हिम्मत बनाए रखने की जरूरत है,
खुश रहने की जरूरत है। नियमित योगा प्राणायाम करें, प्रोटीन डाइट को बढ़ाएं और दो गज दूरी की जो बातें हैं वो बनाए रखें, अपने लिए तो निश्चित रूप से दूसरे के लिए भी, और मास्क का उपयोग हमेशा करते रहें, वैक्सीनेशन का उपयोग करें और सरकार के द्वारा जो चलाया गया कार्यक्रम है उसको मैक्सिमम जनता के पास फैलाने की भी कोशिश करें। किसी भी प्रकार की जो भ्रामक स्थिति कभी कभी मोबाइल, गूगल्स और फेसबुक के द्वारा जो दी जाती है, उन सारे बातों पर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो सरकार का संदेश है, जो डॉक्टर का संदेश है, उसको अनुपालित करें और खुद स्वस्थ रखें और हमारे समाज को स्वस्थ रखें। तो धन्यवाद, हम आपके लिए हर अपडेट खबर लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी भी बचे और आप अवेयर भी हो। देखते रहिए बिहार में कानून, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर। धन्यवाद।